दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। लखनऊ दिल्ली, दिल्ली लखनऊ, रात में फ्लाइट, ट्रेन से दिल्ली। संजय निषाद यही कर रहे थे पिछले एक महीने से संजय निषाद यही कर रहे थे। और संजय निषाद ये क्यों कर रहे थे? अपनी ही सीट पर अपने कैंडिडेट को लड़वाने के लिए। और आखिरकार जो है भारतीय जनता पार्टी ने उनसे वो सीट छीन ली। सुचिस्मिता मौर्य को भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट बना दिया। लेकिन दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी टिकट का खेल कैसे खेलते हैं, आज का वीडियो इसके बारे में है। संजय निषाद जैसे लोग, संजय निषाद जैसी पार्टी, ओम प्रकाश राजभर जैसी पार्टी, ये जो टिकट के दावेदार होते हैं, टिकट के जो उम्मीदवार होते हैं, किस तरीके से डीलिंग होती है, इसका एक बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दोस्तों, उपचुनाव में मझुआ से हरिशंकर बिंद निषाद पार्टी से मजबूत दावेदार थे। वैसे तो वो प्रधान है, उनकी पत्नी प्रधान है, लेकिन मजबूत आदमी है, रुपए पैसे से मजबूत आदमी। हरिशंकर बिंद से संजय निषाद ने वादा किया कि विधानसभा के उपचुनाव में मझुआ से निषाद पार्टी के सिंबल पर वही चुनाव लड़ेंगे। एक महीने तक हरिशंकर बिंद को टहलाया संजय निषाद और उनके पूरे गैंग ने। मैं गैंग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से, जिस इकोसिस्टम के तहत ऐसे जो दावेदार होते हैं, जो राजनीति में आना चाहते हैं, जो विधायक बनना चाहते हैं, जो दावेदारी जताना चाहते हैं, किस तरीके से उनको लालच के नाम पर ठगा जाता है, उसकी आज पूरी क्रोनोलॉजी समझेंगे। साथियों, हरिशंकर बिंद बहुजन समाज पार्टी के बड़े समर्पित, बड़े समर्थित कार्यकर्ता थे, तब तक जब तक कि उनको डॉक्टर संजय निषाद की पार्टी ने अप्रोच नहीं कर दिया। हरिशंकर बिंद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है, मैं आपको वो वीडियो सुनवाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं कि हुआ क्या उनके साथ। 2 तारीख को अचानक से हरिशंकर बिंद के पास निषाद पार्टी के एक पदाधिकारी का फोन आता है, उसे बात होती है। पदाधिकारी कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, हम मिलेंगे। डॉक्टर साहब 2 तारीख को ही निकल जाते हैं दिल्ली डॉक्टर संजय निषाद से मुलाकात करने। 3 तारीख को उनकी मुलाकात होती है, वहां पर उनको आश्वासन दिया जाता है कि आपको टिकट मिलेगा, आप चुनाव की तैयारी करिए। इस बीच वो चुनाव की तैयारी करते रहते हैं, प्रचार प्रसार करते रहते हैं। और फिर अगले हफ्ते लखनऊ में मुलाकात होती है डॉक्टर संजय निषाद की हरिशंकर बिंद की। लखनऊ में भी जब मुलाकात होती है तो सबसे पहले उनको पार्टी की तरफ से जो एक नामांकन फॉर्म होता है कि भैया हम दावेदार हैं, हम उम्मीदवारी जता रहे, वो फॉर्म भरवाया गया। हरिशंकर बिंद ने कहा कि उनके पीआरओ ने जो है उनका नाम, उनसे फॉर्म वॉर्म भरवाया और 5 लाख रुपए उन्होंने दिए। ये 5 लाख रुपए हरिशंकर बिंद ने डॉक्टर संजय निषाद की पत्नी को दिया कैश में। उसके बाद फिर सारी चीजें चलती रही, चुनाव प्रचार के नाम पर, कार्यक्रमों के नाम पर पैसे लिए जाते रहे हरिशंकर बिंद से। कभी कोई पदाधिकारी आया तो उसको 10-20-50 हजार रुपए दे दिए, 60 हजार रुपए दे दिए, और इस तरीके के पदाधिकारी आए दिन आते थे हरिशंकर बिंद की तरफ। अच्छा, इस दौरान निषाद पार्टी के जो भी कार्यक्रम हो रहे थे उस इलाके में, वो सारे के सारे कार्यक्रम बकौल हरिशंकर बिंद वही फंड करते थे। खाने पीने, रहने ठहरने की सुविधा, गाड़ी की सुविधा, आना जाना, सब कुछ, सारा खर्च, सारा प्रभार उन्हीं का था। संजय निषाद की पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता आता, पदाधिकारी आता, तो उसको विदाई के नाम पर कभी 50 हजार रुपए, कभी 30 हजार रुपए, कभी 20 हजार रुपए, कभी 60 हजार रुपए, इस तरीके से वो देते गए। एक बार फिर से अचानक 18 तारीख को, अच्छा इस बीच संजय निषाद लगातार उनको आश्वासन देते रहे कि आपको ही टिकट मिलेगा। मैं आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझा रहा हूं कि कैसे कांड होते हैं, तथा कथित जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो किस तरीके से आपको ठग लेती हैं आपकी पॉलिटिकल एम्बिशंस को देखते हुए। उसके बाद संजय निषाद को 18 तारीख को फिर से फोन आया कि डॉक्टर साहब आपसे मिलना चाहते हैं, आप दिल्ली आ जाइए।
हरिशंकर बिंद आनन फानन में पहुंचते हैं, फ्लाइट लेते हैं लखनऊ से दिल्ली की, और पहुंचते हैं वो दिल्ली पहुंचते हैं रात में संजय निषाद के आवास पर। संजय निषाद सो रहे होते हैं, कहते हैं कि भाई डॉक्टर साहब मंत्री जी सो रहे हैं, आप कल मिलेंगे उनसे। अगले दिन मुलाकात होती 19 तारीख को। 19 तारीख को जब मुलाकात होती तब फिर संजय निषाद यही कहते हैं कि चिंता मत करिए, आपको ही टिकट मिलेगा, आप अपनी तैयारी एकदम मजबूत रखिए, पुख्ता रखिए। और इस वार्तालाप के बीच में 10 लाख रुपया हरिशंकर बिंद और डॉक्टर संजय निषाद को सीधा देते हैं। और इसके बाद फिर प्रवीण निषाद जो संजय निषाद के बेटे हैं वो इनको ले जाते हैं सुनील बंसल के पास। सुनील बंसल का एक फोटो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, आप लोग देख रहे हैं। तो सुनील बंसल से फोटो खिंचवाते हैं। हरिशंकर बिंद का दावा है कि सुनील बंसल जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी उनको आश्वासन दिया कि टिकट आपको ही मिलेगा, और फोटोबाजी हो गई और ये वापस आ गए। उसके बाद साथियों जो है टिकट के लिए इनसे बात हुई तो पीआरओ ने कहा कि 2 करोड़ रुपए टिकट के लिए चाहिए। अब ये सब चाहिए वाला सारी डीलिंग हो पाती उससे पहले ही साथियों टिकट बदल गया, सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दे दिया गया। जरा सुन लीजिए, जिनको टिकट मिलना था, जिनको टिकट के नाम पर शोषण किया गया, महीनों जिनका 10-15-20 लाख रुपए खर्च करा दिए गए, जरा सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं, क्या आरोप लगा रहे हैं, सुनिए जरा। हमारी शंकर बिंद है सुनीता जी के पति हैं सर, क्या पूरा मामला है टिकट न मिलने के बाद आप निषाद पार्टी और निषाद की मुखिया का आरोप लगा रहे हैं? मामला यह है कि हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम निषाद पार्टी के कई बार कैडर में गए हैं, उनके विचारों को सुनने के बाद मुझे ये लगा कि संजय निषाद वास्तव में हम लोगों के समाज के भगवान हैं, मसीहा हैं। लेकिन उनका दोहरा चरित्र हमारे सामने आ गया। जब जब उन्होंने हमके बुलाया दिल्ली, हमने पूरे खर्च किया, पूरे समाज के प्रति जितना भी हो सका हमने पार्टी के लिए किया, और उन्होंने हमको लखनऊ बुलाए। और जो पार्टी का सिस्टम होता है, जब आप ही बता दीजिए, जब उनके खाते में सीट ही नहीं है तो हम लोग से आवेदन के नाम से क्यों 5 लाख रुपया मांगा गया? सबसे पहले तो उनको ये कन्फर्म करना चाहिए ना कि बीजेपी से निषाद पार्टी में गठबंधन है, तो पहले सीट तो होना चाहिए, इसके बाद आवेदन का पैसा लेना चाहिए ना। आवेदन के नाम से उन्होंने पैसा लिया, इसके बाद हमसे कहे कि आप प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आप जितना ही मेहनत करेंगे आपको टिकट मिलेगा। हमने आपको पता है हमने क्षेत्र में कितनी मेहनत की, आपको ये भी पता है कि सर्वे रिपोर्ट भी हमारे पक्ष में गई थी, LIO रिपोर्ट भी हमारे पक्ष में गई, जितने भी सर्वे थी सब हमारे पक्ष में ही गई थी। लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थिति आई कि मेरे टिकट को काट दिया गया? विश्व सूत्रों से भी पता चला है कि हम लोगों का सौदा किया गया है, टिकट नहीं काटा गया है, हम लोगों को हाईलाइट, हम अपने ही समाज को हाईलाइट किया जाता है, और जैसे ही हाईलाइट समाज हो जाता है वह कुछ करने की योग्य होने लगता है तो इन्होंने बेचने का काम करते हैं। सर आपने कब निषाद पार्टी ज्वाइन किया बसपा छोड़ के, और कितना कितना पैसा खर्च किया, कहाँ कहाँ बुलाया गया इसके लिए? हमको सबसे पहले दिल्ली बुलाया गया, प्रदेश सचिव बाबूलाल ने हमारे आवास पर आए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर संजय निषाद ने आपसे मिलना चाहते हैं, क्या आप मिलेंगे? हम कहा क्यों नहीं, हमारे मुखिया है, हम मिलेंगे उनसे। उन्होंने हमको दिल्ली आमंत्रित किया। 2 तारीख को हम लोग दिल्ली, 2 को दिल्ली गए थे, 2 जून को रात को हमको 12:30 बजे मुलाकात 3 तारीख को हुई होती है, वहाँ पर हमारी उनकी वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि 5-7 दिन के बाद आप लखनऊ में आइए। लखनऊ में जाते हैं और वहाँ लखनऊ में जाते जाने के बाद अपने PRO से अमेरिकन बिंद से ये कहते हैं कि आप इनसे नामांकन करा लीजिए। मैंने नामांकन का जब फार्म दिए तो हमने पूछा कि कितना पैसा इसमें जमा करना होगा, तो उन्होंने कहा 5 लाख। हमने वहाँ 5 लाख रुपया जमा किया। कैसे दिया पैसा? कैश दिया हमने 5 लाख रुपया, उनके पत्नी डॉक्टर संजय निषाद की पत्नी को हमने कैश 5 लाख रुपया दिया, आवेदन किया। इसके बाद हमको फिर बुलाया गया दिल्ली, जब प्रचार करने आया, इधर तो जितने भी प्रयास होते रहे समाज में, हम लोग घूमते रहे, प्रचार करते रहे, जितने भी पदाधिकारी यहाँ आते थे, आपका टिकट फाइनल है, हमको विदाई दीजिए। हम विदाई के नाम से भी हमसे शोषण हमारा किया गया। विदाई के नाम से कोई 50,000, कोई 20,000, मतलब 20,000 के नीचे कोई नहीं लगा। ऐसा कोई पदाधिकारी नहीं है जो 20,000, 50,000, 60,000, यहाँ तक कि विदाई के नाम से एक बार में नहीं, एक ही लोग कई बार आते थे, हर बार विदाई के नाम से जैसे जिले के बाहर जाते थे सबको पैसा दिया था। यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष भी थे, व्यास मुनि थे, रविंद्र मणि थे, ये लोगों को एक एक बार में 50,000 बार, उनके लड़के थे अमित, सब लोगों को जितना मुझे हो सका हमने उनको किया। कार्यक्रमों को भी करते थे, कार्यक्रमों को हमने करते थे, जो भी खर्च लगता था मुझसे कार्यक्रम का भी पैसा लिया जाता था। इतने के बावजूद हमको दुख नहीं था कि हमारी पार्टी है, हमें उनको भगवान की तरह मानते थे। लेकिन स्थितियाँ ये बनी कि 18 तारीख को हमको फोन करके 12:28 पर रविंद्र मणि का फोन आता है
कि महामहिम आपको संजय निषाद ने दिल्ली बुलाने के लिए बोले हैं, आप तत्काल चले जाइए। हम उसी समय उठते हैं और 12 बजे के बाद जैसे ही हम एयरपोर्ट के माध्यम से हम लोग दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद वहां रात को हमको 12:30 बजे हम उनके आवास पर पहुंचते हैं तो पता लगता है कि डॉक्टर संजय निषाद सो रहे हैं, इस बार इस समय नहीं मिलेंगे। इसके बाद फिर सुबह आते हैं, सुबह जाने के बाद हम अंदर हमको जिस कमरे में सोए थे उस कमरे में बुलाते हैं और कहते हैं कि घबराओ मत, टिकट तुम्ही को फाइनल हो रहा है, टिकट तुम्ही को मिलेगा। हमका ठीक है बाबूजी, आप आशीर्वाद दीजिए। तो हमने उनसे कहे कि हमका बाबूजी कुछ सेवा करने के लिए हम आए, कहें ठीक है, तो हम 10 लाख रुपया वहाँ फिर हमने दिया। तो साथियों कुछ इस तरीके से हरिशंकर बिंद को डॉक्टर संजय निषाद, उनकी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता ने और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता द्वारा ठग लिया गया, ऐसे आरोप हरिशंकर बिंद के हैं। अब साथियों उपचुनाव हो रहा है और हरिशंकर बिंद कह रहे हैं कि खुल करके विरोध करेंगे, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट भी फंस गए हैं क्योंकि संजय निषाद ने सीधे तौर पर इतनी बड़ी जो ठगी की है, अगर प्रत्याशी की बात में दम है तो आप यकीन मानिए कि मझवा की सीट पर बहुत बुरी स्थिति होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट सुचस्मिता मौर्य की। दूसरी तरफ सियासी गलियारों में ये चर्चा भी है कि जब संजय निषाद ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि नहीं सब ठीक है और हमने इनको समर्थन इसलिए दिया, हम इस वजह से मान गए कि अब जो है निषाद बिंद मल्लाह मछुआरा कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको अब SC के तहत आरक्षण मिलेगा। तो सवाल ये भी है कि अगर अब आरक्षण मिलेगा तो पिछले 10 साल से आप क्या कर रहे थे जब सरकार बहुत मजबूत फुल मेजोरिटी में थी। बहुत सारे सवाल हैं। तो कुल मिलाकर के संजय निषाद की डील हो गई है, लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा टिकटार्थी जिससे ठग लिए गए 10 से 15 लाख रुपए और उसने कहा कि भैया मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा, लिखित में मैं पेश करूंगा। अब साथियों ऐसे में समाजवादी पार्टी ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी, संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं और उनकी पार्टी पर जोरदार हमला बोल दिया। क्या हमला बोला है आईपी सिंह ने, ये मैं आपको एक बार बता देता हूं आपकी स्क्रीन पर। आईपी सिंह अपने ट्वीट में लिखते हैं कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष, योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद एक टिकट का 2 करोड़ रुपया लेते हैं, पेशगी 25 से 50 लाख एडवांस लेते हैं। संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर बीजेपी गठबंधन में टिकट बेचकर अरबपति बन गए। गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के द्वारा। साथियों ऐसे में अब मझवा सीट पर बची खुशी जो गुंजाइश थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो खुद निषाद पार्टी के इस कृत्य के बाद अब वो गुंजाइश, वो कमी भी पूरी हो गई क्योंकि अब समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को मझवा सीट पर बहुत मजबूती के साथ भुनाएगी और इस पूरे नैरेटिव को पेश करेगी आम पब्लिक के बीच। और ऊपर से जिन व्यक्ति से ये ठगी हुई उन्होंने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि खुल करके भारतीय जनता पार्टी का विरोध होगा, संजय निषाद का विरोध होगा और संजय निषाद को मछुआ मल्लाह कम्युनिटी और मछुआरा कम्युनिटी के बीच में एक्सपोज किया जाएगा कि आप लोगों का डॉक्टर संजय निषाद सौदा करते हैं, आप लोगों के वोट का सौदा होता है भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब देखना यह होगा कि इतने गंभीर आरोपों के बाद संजय निषाद की क्या प्रतिक्रिया होगी, भारतीय जनता पार्टी की क्या प्रतिक्रिया होगी। साथियों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।